हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसे हम जो है दोस्तों अच्छे से समझेंगे, किस प्रकार से हम जो है बोर्ड एग्जाम में जो है अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात रहती है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जानते हैं किस प्रकार से हम जो है अच्छे नंबर जो है बोर्ड में ला सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे, जब आपकी परीक्षा होती है, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा होती है, तो सभी स्टूडेंट जो है कुछ लगभग जो है 70-80% स्टूडेंट जो है अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं 20% जो है जो उतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। ए स्टूडेंट ने जो है दोस्तों एग्जाम कितना है, इसका एग्जाम है दोनों जो है दोस्तों 12th या 10th, किसी का भी मान लीजिएगा। ए स्टूडेंट है, इसकी जो है 100% जो है तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसकी जो है 100% तैयारी है। दूसरा स्टूडेंट बी है, इसकी जो है कितनी है, इसकी मात्र 70%। इसने जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 70% ही सिलेबस को है दोस्तों यह कवर कर पाया है, और यह जो है 100% सिलेबस जो है इसने अच्छे से कवर कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, सब कुछ इसने पढ़ लिया है, और इसने दोस्तों जो है केवल 70% ही पढ़ा है। और बात आती है दोस्तों, जिसने 70% तैयारी की है, इसकी जो है हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग दोस्तों जो है इसकी बहुत अच्छी है। इसकी जो हैंडराइटिंग कैसी है, बहुत अच्छी है। वही अगर हम बात करें, जिसने जो है 100% जो है अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, अपने सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, उसकी हैंडराइटिंग जो है दोस्तों मीडियम है, ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पर इसने लिखा है, जैसे कोई प्रश्न दिया है, कोशिका किसे कहते हैं, इस प्रकार से जो है दोस्तों इसने आंसर शीट पे लिखा है, इस प्रकार से इसने यहाँ पर आंसर लिखा है। और ये जिसने 100% जो है तैयारी की है, और इसने जो है कुछ इस प्रकार से आंसर लिखा है। मान के चलो यह प्रश्न जो है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर यह प्रश्न है आपका 5 नंबर का, कितने मार्क्स का है यह नंबर है, तो यह जो है दोस्तों आपका 5 नंबर का है यह प्रश्न। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर के रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, तो यह कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो इसने इतने अच्छे से सजा दजा के लिखा है, इसने कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर के पास जो है कम से कम जो है एक दिन में 100 से 120 के आसपास जो है, या 150 के आस 150 तक जो है उसे कॉपियां चेक करनी होती है, लगभग जो है 50 से ऊपर जो है उसे कॉपियां चेक करनी होती है पूरे दिन भर। तो आप लगा सकते हैं 50 क्रॉस यानी कि 70, 80, 90, 100 कॉपियां जो चेक करेगा, तो जितने भी प्रश्न है उनके आंसर तो वह नहीं देख पाएगा। तो किस प्रकार से जो है यह जो है कॉपी चेक करता है, तो एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, जिसका लेख जो है अच्छा रहता है, तो उसे जैसे इसका लेख किस प्रकार से है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर क्या करेगा, ऊपर से यह नहीं पढ़ेगा, इसमें जो प्रश्न लिखा है कोशिका किसे कहते हैं, तो एग्जामिनर इसकी परिभाषा नहीं पढ़ेगा, वह क्या देखेगा, सिर्फ बाहर से देखेगा कि लड़के ने किस प्रकार से लिखा है। तो इस प्रकार देखेगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसे 5 में से कितना देगा, 2 नंबर, जबकि लिखा उसने यही, इसने भी यही लिखा है और उसने भी यही लिखा है, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या करेगा, 5 में से 5 नंबर या 4 नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले में एग्जामिनर दे देगा। यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा होता कोशिका की जगह, अगर परिभाषा भी नहीं लिखी होती, कुछ और भी लिखा होता और इसी क्रम में जो है अच्छे से लिखा होता, तो लगभग लगभग जो है 5 में से 4 नंबर जो है एग्जामिनर उसे एग्जाम में दे लेता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसने 100% तैयारी की है, अच्छे से आंसर लिखा है, उसके 5 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, और जिसने केवल 70% तैयारी की है, उसने जो है 5 नंबर का प्रश्न है, उसमें से कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं। तो लगभग लगभग जो है कितना, 2 गुना या 1.5 गुना इतना दोस्तों आपका फर्क आ जाता है। तो बोर्ड परीक्षा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको हैंड राइटिंग सबसे मायने रखती है। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपकी हैंड राइटिंग जो है कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, और बिल्कुल अच्छे से लिखी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे ही आपकी एग्जामिनर जो है
आपकी कॉपी देखता है, सबसे पहले क्या देखता है वो राइटिंग। अगर आपको, अगर एग्जामिनर को जो है आपकी राइटिंग अच्छी लगती है तो उसे पहले ही जो है साइकोलॉजिकल बेस पे जो है आपको क्या दे देता है नंबर दे देता है। यही है दोस्तों, सबसे पहले आपकी पढ़ाई उतनी मायने नहीं रखती, आपने 100% जो है अच्छे से मेहनत की है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको किस प्रकार से जो है मार्क्स मिलेंगे। अब जिसने 80% पढ़ाई की है, 70% जिसने पढ़ाई की है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, फिर भी वह दोस्त को जो है अपने नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसे जो है 100 में से कितने आ रहे, 20 में से जो है दोस्तों ये 18 प्रश्न कर पा रहा है, और टोटल जो है एग्जाम इसके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर। 20 में से 18 प्रश्न इसने सही किए हैं और नंबर कितने आ रहे हैं, 60 नंबर। क्यों? क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग। लेकिन इसके कितने हैं, इसने जो है दोस्तों टोटल मान के चलो 20 प्रश्नों में से जो है यह 15 ही प्रश्न कर पाया है, 15 प्रश्न के आंसर इसे जो बिल्कुल एक्यूरेट आए थे, और बाकी जो है दोस्तों 5 ही प्रश्न इसने अपनी ओर से लिख दिया, और इसके नंबर कितने आ रहे हैं, लगभग 75 के आसपास। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसकी राइटिंग जिसने 100% तैयारी की थी उसके नंबर में जो है कितने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लगभग जो है 15 नंबर। इसने जो मात्र 70% तैयारी की थी और इससे 15 नंबर आगे चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी राइटिंग में सबसे ज्यादा जो अहम रोल रहता है आपका, वो किस पे रहता है, राइटिंग में रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, आपकी पर्सनलिटी देखी जाती है, आपके जूते देखे जाते हैं, आपके कपड़े देखे जाते हैं, आपके बाल देखे जाते हैं, आपका हेयर स्टाइल देखा जाता है, आपका बैठने का तरीका देखा जाता है, आपका उठने का तरीका देखा जाता है, सिर्फ क्या देखा जाता है, फिजिकल देखा जाता है। उसी प्रकार जब आप जो है बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो क्या देखा है, सबसे पहले क्या, जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, राइटिंग। जिससे जो है आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर पर जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी राइटिंग खराब होगी, आपने 100% भी पढ़ा होगा फिर भी आपके जो है मार्क्स कम आएंगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, आपका लेख जो है शुद्ध होना चाहिए, जिससे जो है आप अपने अंक जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रिक है, बाकी पढ़ना तो आपको है ही है, पढ़ना तो जब आप पढ़ोगे तभी कुछ लिख पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे वह भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। तो जिसका बोर्ड है दोस्तों वो इस बात का विशेष ध्यान लीजिएगा, और जिसका नहीं भी है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हम जो है अपनी राइटिंग सुधारने का प्रयास अवश्य करें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, आपको अच्छे से पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।